तो आज हम लोग जा रहे हैं केवलेश्वर महाकाल मंदिर, जो कि इंदौर में बंगाली स्क्वायर से 11 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पर कुछ नहाने की जगह भी है, तो जाकर देखते हैं कैसा है। और हमारे साथ है एक ब्रिलियंट माइंड, शिवानी दीदी, किट्टू और विशु। और इधर है गार्गी भैया। ये है देव बुराड़िया मंदिर। ये आपको रास्ते में पड़ेगा जब आप केवलेश्वर महाकाल मंदिर जाएंगे। ये केवलेश्वर महाकाल मंदिर है। अभी थोड़ा सा और आगे जाने, जहाँ पर नदी टाइप है, कुछ संगम का बोल रहे थे भैया, तो देख के आते हैं वहाँ पे क्या है। अरे चॉकलेट तो बड़ी अच्छी। ये कौन सी टॉफी? मावा मलाई मिठाई। बोला था मैंने, खोला पूछा नहीं तूने? क्या हुआ? पानी खत्म हो गया यहाँ पे, तो बोला पूछा कि दूर आया तो देखो। ये है वो छोटा सा फाउंटेन जिसकी बात कर रहा था मैं। और यहाँ पे आगे थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हो आप। ये शायद एक ट्यूबवेल है जो कि लीकेज हो रहा है, और ये पानी अच्छा है, शायद ये जाके पतल पानी और आगे वाटरफॉल्स में मिल जाता होगा। इसको पानी को रोक रखा है यहाँ पर। पानी नाले का पानी क्या? कौन सा स्थल है ये, जरा एक बार बता। शिप्रा का उद्गम स्थल है यहाँ से। शिप्रा जी निकली है और यहाँ से निकली है। अब समझ में आया कि मैंने वो क्यों बोला था। यहाँ कभी आपको मौका मिल जाए और आप आओ, तो यहाँ से रास्ते में ना चिकनाहट बहुत है, तो एकदम संभल के चलना। अगर आप श्याम दीदी से प्रो प्लेयर है तो वह समय की चलने की जरूरत नहीं है, बहुत चिकना है। देखो वो कोने पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा वो कोने पर, नहीं दिख रहा हम लोगों को दो। हाँ बिल्कुल, खा लेना भी, चलो कि बहुत मजा। बहुत ही शानदार है ये। यहाँ पर पीछे बैठो तो बीच में एक अजीब सी गुजली होती है, गुजली नहीं। और यहाँ पर आओगे अगर मंदिर आओ तो यहाँ पर जरूर आना, बहुत ही मज़ा आएगा। अभी नहा लिया है, अब मंदिर जाएंगे, और नहाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और अगर आप यहाँ पर आओ तो नहाना ज़रूर। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा मॉर्निंग में आ जाना, क्योंकि यहाँ पर है ना 7-7:30 बजने के बाद में लोकल लोग आने लग जाते हैं, और फिर वो उसका माहौल थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 6 बजे आप आ जाओ यहाँ पर, तो फिर आपको पूरा 1 घंटा मिलेगा नहाने के लिए। फिर आप मंदिर चले जाना, तो अच्छा सा आपका वीकेंड हो जाएगा, 2-3 घंटे का आउटिंग हो जाएगी। मैंने शॉर्ट्स पहन लिए क्योंकि मेरा लोअर गीला हो गया था, और ये टी शर्ट क्विक ड्राई है तो ये सूख गई। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।